लोडिंग गाड़ी आती है वो एकदम पट्टी होने हो जाती है। आज एक मुकदमा दर्ज हुआ है जल बोर्ड का, किसका? जल बोर्ड के अधिकारियों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ है। 5 व्यक्ति उसकी उसकी जिम्मेवारी बनता था, उसके कारण 5 व्यक्ति मर गए, 5 मजदूर। तो ये किसकी है? मेट्रो वाले की जिम्मेवारी है। अगर ठीक नहीं किया आप लोग है। मैंने कितने दिन से इसको कहा है, कितने बार कह चुके हैं हम इसको ठीक करवाओ। आप मुझे पहली बार बताया उनको बोल दिया। अगर कोई पलटी हो गया, कोई मर गया, तो किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा? मेट्रो के खिलाफ होगा। अगर आपने यह नहीं किया ना ठीक आज, तो आज मैं शाम को इसकी 100 नंबर पर कॉल करूंगा और आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। ये पक्की बात। अब आप देख सकते हो इस मेट्रो के कारण ये जो गाड़ियां जाती है, एक टायर कैसे ये आस्ता होता है, गाड़ी रुक जाती है एकदम। अब आप देख सकते हो ये जो गाड़ी ये देखो, ये ऊंचा टेकड़ा। अब ये ट्रक आएगा, पर किसी भी तरीके से मलबा डालकर, रोड़ी रेती सीमेंट कोई भी इस प्रकार का डालकर, या कोई गड्ढा बना दे या ऊंचाई बना दे, ब्रेकर अपनी मर्जी से बना दे, उससे अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो जिसकी जिम्मेवारी बनती है। अब जैसे ये मेट्रो वाले हैं, मेट्रो वालों ने अपना काम करने के लिए ये बीच में डाला था, उसके बाद में इतना रोड़ी रेती डाल दिया इसके ऊपर बदरपुर, ये और ऊंचा टेकड़ा सा हो गया, जिससे कोई भी लोडिंग गाड़ी होती तो उसको पलटने का डर रहता है। इस तरह से कोई भी करता है तो जिसकी जिम्मेवारी बनती है उसके खिलाफ, अगर उसकी घोर नेग्लिजेंसी है तो उसके खिलाफ 304, नहीं तो 304A का मुकदमा दर्ज बनता है अगर उससे कोई आदमी मर जाता है। आज गाजियाबाद में एक जल बोर्ड के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होया, क्योंकि 5 मजदूर जब वो कनेक्शन करने के लिए घुसे तो दम घुटने से मर गए। इस प्रकार से जिसकी भी जिम्मेवारी बनती है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। तो इस प्रकार का कार्य ना करें। अगर आपको कोई करता हुआ मिले तो आप इसकी शीघ्र फ़ोन नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। मैं सही रामवीर सिंह सागवान, जेडो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, जय हिंद। इससे न केवल एक्सीडेंट का खतरा, बल्कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें रोड भी जाम हो जाता है, जिसमें जाम की ऐसी समस्याएं बनती हैं। इस प्रकार से कभी ना करें।